मेकओवर आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। मेकओवर मेरा नहीं है, घर का थोड़ा बहुत मेकओवर करूंगी, थोड़ा बहुत लाइट्स वगैरह लगाऊंगी और आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी, जितना मुझे आता है उतना ही दूंगी, ज्यादा कुछ भी नहीं ऑब्वियसली, कि आप लोग कैसे कम खर्च में अपने घर को इजिली सजा सकते हो सस्ते चीजों से। तो चलिए बिना लेट करे हुए इस वाले वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, ये है सारी फेरी लाइट्स और थोड़ा बहुत डेकोर का सामान जो मैं यूज़ करूँगी मेरे दिवाली डेकोरेशन में। और ये है बिफोर का जो सीन है मेरी बालकनी का, वही मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम डल, और इसको थोड़ा बहुत मैं मेकओवर दूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ एक सीज़र और जो सुई होता है ना वो सुई, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगी, पहले यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर का लाइट, तो मैं रेड कलर का लाइट बैलकनी में जो यहाँ पर ग्रिल देख रहे हो ना यहाँ पर मैं टांग दूंगी। और उससे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो फ्लावर देख रहे हो आप लोग, इसका जो मतलब जहाँ पर मैं रख रही हूँ ना, ये हैंडमेड है, मेरी एक फ्रेंड की दीदी ने बनाया था तो मैंने उनसे ख़रीदा था, बहुत सुंदर खाद का काम है उनका। और मुझे हमेशा से ना हैंडमेड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा बोल रही हूँ मैं। और मैंने सोचा यहाँ पर टांगते अच्छा लुक आ जाएगा, क्योंकि मुझे ना एक बहुत खाली खाली सा लग रहा था। और यहाँ पर देखो, मैं आपको कनेक्शन शॉक खा जाती ना, हो जाता तो फिर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो देखो लाइट जल रहा है रेड कलर का, ऐसे कुछ दिखा रही थी यार। और इसके बाद मैं पूरे जो बालकनी है मेरी वहाँ पर मैं अच्छे से एकदम जो लाइट है वो कर दिया है मैंने, ठीक है। तो अभी मैं ये जो चेयर था, ये था वुड का चेयर था जो मैं अच्छे से फिक्स करूँगी। थोड़ा सा भारी था मेरे लिए, तो भारी था, और दोनों को फिक्स करते करते थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही गया मेरी, बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए सब चलता है। तो मैंने फाइनली फिक्स कर ही दिया मैंने इस चेयर को, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था गाइस, यही था, थोड़ा बहुत बैलकनी का मैंने मेकओवर किया है, थोड़ा बहुत करके, उतना भी कुछ लाइक उतना मुझे नॉलेज नहीं है घर सजाने के बारे में, ऑब्वियसली इतना नहीं है भाई नॉलेज, जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उतना ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। कोई प्रो नहीं हूँ मैं स्पेशली। और ये था मेरी एक स्ट्रोल जिससे मैं इस वाले जो वुडन का चेयर है उसको मैं ढक रही थी, क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए। और मैंने कुशन यूज़ किए थे इसके बाद, ठीक है। और यहाँ पर जो मिट्टी का आप लोगों ने देखा था दिया, जहाँ पर मैं जला रही हूँ अभी, और गाइस फाइनली मैंने दिया जला ही दिया, ठीक है। तो अभी आप लोग देखो ओवरऑल लुक कैसा आता है मेकओवर के बाद। कंप्यूटर टेबल का जगह जो मैंने फर्स्ट टाइम मेकओवर किया था, क्योंकि कंप्यूटर टेबल का वहाँ पर मैंने कभी भी लाइट वगैरह नहीं लिया, तो थोड़ा सा कुछ अलग सोचा था कि कैसे मैं इसको मेकओवर कर सकती हूँ। ये वाला जो लाइट आप लोग यहाँ पर अभी देखोगे ना, ऑलरेडी मैंने मीशो हॉल में दे दिया है, क्योंकि ये था मीशो का, ठीक है। और अगर मीशो हॉल नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी दिवाली मीशो हॉल, तो आप लोग देख लेना, बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली, ठीक है। तो आप लोग अगर घर, मुझे लगता है ना ये जो लाइट है ना वो नॉट ओनली मीशो में, आपको घर के सामने ही मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल ना मैंने खुद ही देखा है लोकल में भी मिल जाता है ये वाला लाइट, और ये वाला लाइट मुझे बेहद ही पसंद है। और ये क्या है बताया गाइस, जब गई थी ना तब से ये वाला जो चीज़ मैंने अभी आपको दिखाया है ना, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला है, क्योंकि ये आप पानी में डालोगे ना बड़ा वाला जो कलरिंग बॉल्स हो जाता है ना वो बॉल्स बन जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी पानी में डालने के बाद क्या सीन होता है इसके साथ, तो आप लोग देखोगे, बट स्टिल मुझे ना ये बहुत ही अच्छा लगा।
किचन में जाने का रास्ता, जिसको मैंने थोड़ा बहुत मेकओवर दिया है एक डिस्को लाइट से। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा वाला मेकओवर का पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है। बट मेरे लिए मैं बोलूँगी ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सीरियसली। और गाइस, ये है हमारे पूजा का छोटा मोटू सा एक सेक्शन जहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं। और ये जो सेक्शन है ना, आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा डल था, और मैंने ना मेन लाइट ऑन कर दिया था क्योंकि अंधेरा हो रहा था ना, आप लोगों को ठीक से नहीं दिखता। और ये था पुराना वाला लाइट जो ख़राब हो चुका है, बट फिर भी हम लोगों ने सोचा था कि दिवाली के टाइम हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये जो पंखोड़ी देख रहे हो ना, ये ना मयूर का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली, मैंने इसलिए आप लोगों को दिखा भी दिया, ठीक है। तो मैंने सब कुछ उतारा, नीचे फेंक दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पिंक कलर का लाइट जो आप लोग अभी देखोगे। कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, जो लाइक बड़ा सेक्शन बना हुआ था यहाँ पर लाइट लगाने का, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगा था ज़्यादा मेहनत, क्योंकि सब सेक्शन वगैरह बना हुआ था, लाइट नॉर्मल सा मैंने लाइट लगा दिया। और लाइट के साथ ही मैंने जो मैंने बोला ना मयूर का पंखुड़, उसको शायद मयूर का पंखुड़ी बोलते या फिर एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं पता, मैं तो वही बोलती हूँ यार गाइस, तो इसलिए मैंने आप लोग भी वही बोल दिया। तो मैंने उसके साथ वो सुई के मदद से ना अच्छे से लाइक सेटल इनफ कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर ना लाइट जला रही हूँ अभी आप लोगों को, तो चल गया मेरा लाइट हो गया था। और इसके बाद मैं आप लोगों को एकदम फाइनल वाला जो लुक है मैं वो दिखाऊंगी। और थोड़ा बहुत ना मैं इसको सेटल कर रही थी, क्योंकि ये जो नीचे दो एक्स्ट्रा था जहाँ पर मेरे कृष्ण भगवान लोग सोते हैं, थोड़ा सा ना मैं सेट कर रही थी उस जगह को बस, और कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत देख भी रहे थे आप लोगों को। सो गाइस, ये सेक्शन था हमारे मेन बेडरूम का, जो विंडो था वहाँ पर जहाँ पर थोड़ा बहुत प्लांट्स लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने सोचा जो फेरी लाइट है ना वो मैं प्लांट्स के ऊपर दे रही तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप लोग फाइनल लुक देखो। गाइस, ये है छत का थोड़ा बहुत जो मैंने किया था, सेकेंड डे वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया। तो गाइस, मैंने थोड़ा बहुत करके घर के सभी जगह मैंने फेरी लाइट देने की कोशिश किया है जितना भी था। और फेरी लाइट बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, आप लोगों को मीशो में भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को साथ मीशो का जो कोड है वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको लोकल मार्केट से खरीदना है तो फिर वहाँ पर भी बहुत ही कम दाम में भी आप लोगों को मिल जाएगा। फेरी लाइट बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, तो आप लोग इजीली परचेज कर सकते हो और घर में कहीं भी लगा लो और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। सो ये था बजट फ्रेंडली दिवाली मेकओवर। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जाओ जाकर सब्सक्राइब कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, बाय बाय।